अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। किसने दिया बच्चों को मारने का बिल? सरकार ने बोला है कि बच्चे को मारते आपको किसने बोला था कि आप इस तरीके से मारो? पहली बात तो ये सबसे पहली बात है कि इस तरीके से कुछ भी नहीं मारा। बताया ये कौन सा स्कूल है और आपके साथ अभी क्या हुआ है? मेरा एवरेज इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल है। मेरे वाइस प्रिंसिपल सर ने मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारा और हम मेरे छः सात जने थे बेमतलब मेरे को मारा और बाहर लेके गए और बाहर भी मारा सर ने हमारे को। बाथरूम में लेके गए थे और बाथरूम में लेके गए थे मेरे को मारने के लिए और बाथरूम में से हमारे सर वगैरह इन सब ने पकड़ा है और जान से मारने की कोशिश बोल रहे थे कि जाते हो जान से मार दूँ हमें। किस क्लास के स्टूडेंट हो आप? हाँ, कौन सी क्लास के स्टूडेंट? मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। किस लिए क्या कहा गया, काय के लिए मारा गया आपको? बेवजह इनने मारा मेरे को। हम बाहर योगा वगैरह हो रही थी, योगा के बाद आ रहा था मैं, 3 बजे तक प्रैक्टिकल माना रहा था। हाँ। तो मैंने आपको नींद के डप्पे वगैरह आ रहे थे, मैं थोड़ा बहुत आराम करूँ लेफ्ट में, मैं लास्ट वाली बेंच पर बैठता। मेरे साथ जतिन प्रजापत भी था और मैं और मेरे 3-4 दोस्त और थे, उन सबको इन सब ने सर ने मारा और क्लास के अंदर से मारा, भगा भगा के मारा इनको। टोटल 6 बच्चे उनको मारा। कहाँ पे चोट लगी आपको? कहीं पे चोट वगैरह नहीं है पर सन ने मारा है। कैसे मारा? वो डंडे से मारा है। पहली बार ऐसा हुआ कि इसके पहले भी कभी? पहली बार ही हुआ है। क्या कारण रहा, क्या बोला सर ने, का आरोप लगाया आपके ऊपर? मैं टीचर पे कमेंट करता है, गाली गलौज करता है, बस में ठिलवाई वगैरह करता है और तो बाहर बच्चों को बुलाता है कि तुम बाहर मारने के लिए। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है। मेरे फ्रेंड में पापा भी 2 बार आए स्कूल में, मैंने 2 बार के बाद मैंने कभी कोई शिकायत वगैरह घर पर नहीं भेजी है। उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पे आया, वो जबरन मारा सर ने। क्या नाम है आपका? कृष्णा वर्मा। अभी कौन सा ये स्कूल है और किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? सर ये द यूनिवर्सिटी स्कूल है और मेरे बच्चों को क्या है कि बहुत मतलब सर टीचर ने मारा है, क्या पैट भगा भगा के मारा हुआ है क्या, और जान से मारने की धमकी दी है। किस लिए ऐसा क्यों किया टीचर ने? अब टीचर ने क्या कारण, क्या रीजन है, क्या ये बच्चे ने अभी आपको बताया है? क्या आपको क्या बताया यहाँ के टीचरों ने, क्या गलती करी थी इस बच्चे ने? अब ये बस गलती कुछ नहीं बता रहे वो। क्या लगता है इस तरह से बच्चों को मारना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। ए गुरु और शिष्य का रिश्ता रहता है, गुरु या शिष्य मतलब इस प्रकार से मतलब प्रताड़ित करते क्या शिष्य को? मेरा बचपन से मतलब कि एलकेजी क्लास से पढ़ा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी यही मेरे बच्चों को जो मारा है उसकी पूरी भरपाई हो, पूरी जांच हो और उसके बाद पूरे मतलब इसका मतलब ये हो। अभी आगे आप कहाँ जाएंगे? मैं तो अभी थाने जा रहा हूँ। अभी क्या इसको स्कूल से निकालने के भी कोई? हाँ, उसको स्कूल से रजिस्टर कर दिया और जहाँ मार कूट के मेरे घर छोड़ दिया और इसको मतलब ऐसी अवस्था में बेहोश हो गया मेरा बच्चा। क्या मैं 25-30 किलोमीटर दूर से मैं गाड़ी भगा के आया रिक्शे पे और ये मेरे बच्चों को रजिस्टर कर दिया, इसका सर्टिफिकेट है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश वर्मा है, मेरे बच्चे का कृष्णा वर्मा है। मैं 150 वैशाली एवेन्यू में रहता हूँ और मेरा बच्चा। सर बताइए सर, अभी कुछ बच्चों को मारपीट का यहाँ पर मामला सामने आया है और आपने कुछ बच्चों को निकाला भी, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं? हाँ, निकाला नहीं, कुछ बच्चे हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं, वॉशरूम में जाके झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं या रिसेस के टाइम झगड़ा करते हैं, तो उन बच्चों को अलग अलग करना पड़ता है क्योंकि वो दूर दूर होने के बावजूद भी फिर कब आ जाएं और कब आपस में झगड़ लें। एक दो बार वो झगड़ चुके हैं और कई बार वो वॉशरूम में बहुत गालियां देते हैं, तो इसलिए उनको अलग करना ज़रूरी होता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ था, जो सब 6-7 बच्चे थे उनको अपन ने बाहर निकाला था और यहाँ सामने खड़ा किया था। कुछ पेरेंट्स का ऐसा आरोप है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा है, उस टाइप की? ऐसा कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारते। मैं पिछले 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और ये जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मैं उनको बचपन से जानता हूँ, ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं मारते हैं। और बेहोश होने वाले बात तो जारी किया गया परिजनों को कि बच्चे ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप शब्द का प्रयोग करता, उस रीजन को आपने उस कागज पे लिखा है। अभी आप हमें बता रहे हैं कि उन्होंने आपस में लड़ाई करी उस विषय को? इसके अलावा वॉशरूम में जो गालियाँ देते हैं, चूंकि वॉशरूम कॉमन होता है, छोटे बच्चे भी आते हैं, अगर वो वहाँ पे गालियाँ देते हैं तो ये अभद्रता होती है क्योंकि गालियाँ देते हैं, छोटे बच्चे भी सीखते हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ती है, फिर वो बस में गाली गलौज करते हैं, इसलिए उनको। कितने बच्चे थे बुलाया? 6-7 बच्चे थे, उनको अपन ने बुलाया यहाँ पे, रोका, उनको कहा कि आप पेरेंट्स को लेके आ जाइए। पेरेंट्स के साथ में कुछ आपकी पेरेंट्स भी हुई है? नहीं, कोई हॉट टॉक नहीं हुई, वो तो आगे बोल रहे हैं कि जैसे मारा वगैरह, तो ऐसा नहीं है। उनको अपन ने बुलाया था कि आप आके मिल लो, अभी जैसे आप लोग आए, इसके ठीक पहले एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने प्रिंसिपल साहब से बात करी, उनको समझा दिया, उनको लेटर दे दिया, उनको बता दिया
उनको बोला कि हम समझा लेंगे, आप फिर से स्कूल ज्वाइन हो जाना अभी मंडे से। खड़े सर, इसको क्या अभी स्कूल से निकाला आपने? नहीं निकाला, निकाला किसी को नहीं, इनको सिर्फ ये बोला कि आप पेरेंट्स को लेके आ जाइए और मिल लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा होते रहता है। लेटर दिया गया उनको जिसमें लिखा है कि परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा, उसमें लिखा है परीक्षा में बैठने तक आना है, जब परीक्षा होगी तब आना है। परीक्षा तक उनको, हाँ अभी अगले 8-10 दिन नहीं आना है, जब 5 तारीख या 10 तारीख से परीक्षा होगी तब आना। आपका नाम? डॉक्टर दीपक धर्माधिकारी, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ।